अरे हफ्सा आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे आपने इतने तकल्लुफ कर दिए। बेटा ये पकड़ो पहनो। भाई तकल्लुफ कैसा, खुशी का मौका। ये देखो तो, और सलाम भी लेकर आए। अरे बेटा आओ तुम भी साथ चलो। मैं आपके साथ छत पर चलूंगा। तो बस ठीक है, ये तुम उठाओ सारा कुछ, अपनी टीचर को पकड़ा दिया है, चलो जाओ। आप आए। अच्छा आओ मुर्तजा, आओ बेटा। क्या नूर तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहता हुआ देख सकेगी? माँ की कसम खा के बता ना। क्या बात है मुर्तजा साहब, बेटा इतने खामोश क्यों हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता खुशबाश देखा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेटा कुछ बातों पर सिर्फ अल्लाह को इख्तियार होता है, इंसान का कोई जोर नहीं होता। ये यकीन कर लोगे तो आगे की मंजिलें आसान और रास्ते साफ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आसफा, बहुत काम की बात है, लेकिन इसके लिए उम्र और तजुर्बा चाहिए, साथ में थोड़ी सी अकल भी। आप लोग आराम से बैठिए, मैं और तहनियत खाना लगाते हैं, फिर बाकी गपशप खाने की मेज पर ही होगी। अरे रुको तो आसफा, तुम दोनों से जरूरी बात करनी है मुझे। बात दरअसल ये है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं खुदा ना खास्ता किसी की बेटी के लिए मनफी बात नहीं करने वाली, लेकिन देखो ना, रब की रजा यही थी कि मुर्तजा और तहनियत का जोड़ बने, और हमें रब की रजा में राजी होना होता है। बहन तो ठीक है, पर नूरुलैन के घर वालों को पता है इस बात का? अभी हमारे आपस के मामला तय हो जाए, वो मीठा हो जाए तो मैं बता दूंगी वसीम को भी। वो अपनी बेटी के ख्यालात से खूब अच्छी तरह वाकिफ है और काफी नाला भी है उससे। मैं समझा दूंगी कि भाई हमारी नियत में कोई ऐसा खोट नहीं था, ये बस ऐसा ही होना था, अल्लाह को ये मंजूर था। लेकिन खैर भाई, तहनियत को बुलाओ, कहाँ है वो, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। हाँ बुलाओ, जाओ ले। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ।